Okay, so you won't believe what happened right now. I got a call on my landline phone. I mean, who even uses these anymore? But I got a call, and there was this guy called Richard who was talking on the phone, and he probably was a Christian missionary from Jehovah's Witness or something like that. I mean, sorry if I'm getting the sex wrong, but whatever. He was some missionary who was trying to convert people, that kind of stuff. He was talking about pandemic, whatever, right? And so what did I do as a vegan activist? I took him on a complete derail about animal rights, and I started talking and debating him about animal rights on the call, and I basically wasted 16 minutes of his time which he would have otherwise spent trying to convert other people. So I have recorded this on my phone because it luckily happened on the landline, so I recorded it on my phone. And so here's the recording. There is nothing, there is no video, there's nothing. There's just the audio. It'll be a black screen, so don't be disappointed by that. I cannot do anything more than that. So it'll just be the audio of the recording, and I hope you like it. Bye. और लोगों को फोन करके उनका जस्ट एक फ्रेंडली कॉल. नहीं, लेकिन आप मेरे फ्रेंड भी नहीं हो, आप मेरे नेबर भी नहीं हो, तो कॉल करके क्या फायदा? नहीं, मतलब मैं तो उल्लासनगर के पास रहता भी नहीं हूँ, तो कैसे बन सकता हूँ? आप मेरे घर के बाजू में घर लोगे? अच्छा, आप रहते कहाँ हो? नहीं, मतलब आपका डेफिनेशन क्या है? नेबर का डेफिनेशन बताओ सर. एक्चुअली क्या है ना, ये जो नंबर है ना, तो हमने टेलीफोन डिक्शनरी से लिया है, और आपका जो नंबर मुझे मिला है वो कल्याण लोकेशन का बता रहा है. हाँ, बट लोकेशन गलत है. अच्छा, ओके. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका डेफिनेशन क्या है नेबर का? आपका डेफिनेशन क्या है सर? नेबर का डेफिनेशन ऐसा जरूरी नहीं है सर, मेरा बाजू वाला घर है वही सिर्फ नेबर हो सकता है. नहीं, मेरा तो वही डेफिनेशन है. मेरा डेफिनेशन है कि जो मेरे घर के बाजू वाले घर में जो बंदा रहता है वो मेरा नेबर है, वो मेरा डेफिनेशन है. तो मैंने सर आपको कहा जैसा नेबर एंड फ्रेंड, और आस पास के जो लोग हैं उनको हम फोन कर रहे हैं, तो हमारा फ्रेंड चाहे हमारे घर के पास में रहता हो या सात समुंदर पार रहता हो. हाँ, लेकिन आप तो मेरे फ्रेंड भी नहीं हो, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे, तो फ्रेंड कैसे हुए? हाँ, तो आपकी बात बड़े में ना सर, तो फ्रेंडशिप होता कैसा है सर, हम जब किसी से अगर फ्रेंडशिप करते हैं तो पहली बार बात करते हैं, उसके बाद में एक दूसरे को जानते फिर ही फ्रेंडशिप होता है ना. हम अगर हमारा कोई फ्रेंड होता तो हमको पहले से जानते नहीं है ना, चाहे वो फेसबुक पे हो या कलीग हो या हमारे ऑफिस में काम करने वाले हो. नहीं, लेकिन मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो मुझे रैंडमली फोन करके मुझे पूछता है कि फ्रेंड बनोगे क्या. राइट, बट हम करते हैं सर. एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ जो है वो यूजुअली हम आज शाम को टेलीफोन डिक्शनरी से हमने जो नंबर लिया है उनको फोन कर हम जो ही हाल चाल पूछते हैं उनका, और अगर अच्छा लगता है तो हम आगे बात बढ़ाते हैं. अच्छा, आप मुझे इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओगे आंसर? हाँ, तो मेरा एक सवाल है कि अगर हमारे दुनिया में एक हॉलोकॉस्ट हो रहा हो, हॉलोकॉस्ट आपको पता है जैसे हिटलर ने किया था ज्यूज के अगेंस्ट. हाँ, तो जैसे हिटलर ने ज्यूज को मारा था हॉलोकॉस्ट में, अगर वैसा अगर दुनिया में ऐसा कोई हॉलोकॉस्ट हमारे दुनिया में हो रहा है, तो क्या आप उसको पैसे दे के आप सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे ना. तो क्या आप जानवर खाते हो, लाइक चिकन मटन वगैरह? हाँ, तो मतलब आप ऐसे एक मास मर्डर को सपोर्ट कर रहे हो ना पैसे दे के? हाँ, तो एक मिनट, मेरा क्वेश्चन तो पूरा होने, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप हॉलोकॉस्ट को सपोर्ट नहीं करोगे बट आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जानवर में ऐसी क्या बात है जो बात अगर ह्यूमंस में हो तो आप बोलोगे कि ह्यूमंस को भी मारना ठीक है? ऐसे कौन से गुण हैं एनिमल्स में जो गुण अगर ह्यूमंस में हो? ह्यूमन और जानवर को कंपैरिजन नहीं कर सकते. ह्यूमन वाज बीइंग क्रिएटेड फॉर द डिफरेंट थिंग, एंड एनिमल वाज बीइंग क्रिएटेड फॉर द डिफरेंट थिंग. Well, I don't, what's the argument for that? नहीं, मतलब मैं दोनों को क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसका क्या आर्गुमेंट है? जानवर
अच्छा, तो मतलब आपका ये, आपका कहना ये है कि जो जानवर का गुण जो है, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा वो गुण ये है कि उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें इस कारण के लिए बनाया है, आपका वो आंसर है ना? अच्छा, तो अगर परमेश्वर ने किसी इंसान को मारे जाने के लिए बनाया होता तो क्या उसे मारना ठीक है? नहीं, बट दैट्स नॉट माय क्वेश्चन, राइट? मेरा माय क्वेश्चन इज, इफ देयर वाज अ ह्यूमन हु वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग किल्ड, वुड इट बी ओके टू किल दैट ह्यूमन? यस और नो? Yeah, so hypothetically, if there was a human who was created for that purpose, उसको मारना ठीक है? Is that a yes or is that a no? नहीं, मतलब मैं वही रीज़न बोल रहा हूँ कि उसको, उसका, उसको बनाने का रीज़न, उस इंसान को, उस स्पेसिफिक इंसान को बनाने का रीज़न ये है कि उसे मारा जाना चाहिए, वो ही, उसी रीज़न के लिए उसे बनाया है, तो उसको मारना ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम डिबेट, आप चर्चा करना चाहते हैं, या आई मीन आई हैव गॉन थ्रू ऑल द टेक्स्ट, आई हैवंट फाउंड एन आंसर टू दिस वन. Can you just answer my question in a yes or no? Like, is it okay to kill that person? But the question is a binary question. It is either okay to kill that person or is it not okay to kill that person? How can it be any other answer? हाँ, तो वो सारे रीजंस हम निकाल देंगे, वो सारे रीजंस हम निकाल देंगे, करीबी नहीं है वगैरह, हम सब उसको निकाल देंगे. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बहुत सारा वेबसाइट ट्राई किया है, व्हाई डोंट यू ट्राई JW.org? I mean, if you already have the answer, I don't see the point in trying that website out. Because if you have the answer, you can just directly tell it to me, right? हाँ, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, there are lot of things that have a background. Yeah, so I am giving you the background, right? I'm giving you the background in the question that I'm asking you. The background is that. I cannot straight away answer your question with an yes or no. But the question, yes, I mean. Question has some of the background. No, but I'm removing that background for the sake of. हम detail में चर्चा करें. कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ. शायद जो वो आपके questions के answer दे सके. नहीं, बट माई, वन सेकेंड, नो, बट माई क्वेश्चन इज लाइक, देर आर ओनली टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. इट इज ईदर नॉट ओके टू किल दैट ह्यूमन और इट इज ओके टू किल दैट ह्यूमन. व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? ऐसा नहीं बोल सकते सर, आप ऐसा. तो थर्ड ऑप्शन क्या है, बताओ ना. मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना सर, आप स्टेट अवे, ये तो आपका अजम्पशन के ऊपर है ना. नहीं, मतलब इसका और थर्ड ऑप्शन क्या है? दुनिया में आप ऐसा कोई इंसान को जानते हैं कि जिसको मरने के लिए बनाया गया था? हाँ, मतलब हाइपोथेटिकली तो पॉसिबल है. नहीं, कैसे पॉसिबल है, मेरे को एक बात बताइए. Yeah, it's logically possible. चलो, मैं आपको एक, आप पूछ लेना, मैं उसका ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ. uh-huh. आपने बहुत मेहनत किया. uh-huh. और मेहनत करके आपने अपना एक ड्रीम बाइक खरीदा. uh-huh. ठीक है, बहुत मेहनत किया और आपने आपका मन पसंद जो ड्रीम बाइक है या ड्रीम कार है या जो भी आपका मन पसंद चीज है वो आपने खरीदा. ओके. ठीक है, क्या आप चाहेंगे कि वो जिंदगी में कभी खराब हो? नहीं चाहेंगे, करेक्ट? हाँ. हालांकि आपको पता है कि वो चीज जो है एक सर्टेन पीरियड के बाद में उसका एक्सपायरी खत्म होने वाला है. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा आके मेरा गाड़ी तोड़ के जाएगा. हाँ, राइट, बराबर ना. अगर आप एक इंसान होकर अपनी चीज से इतना प्यार करते हैं और आपने वो चीज, हालांकि आपको पता है कि वो एक ना दिन खराब होने वाला है, गाड़ी आप रोड पर चलाओगे तो उसको स्क्रैचेस लगेगा, बाहर पार्किंग में खड़ा करोगे तो कुछ ना कुछ होगा. हाउ इज दैट आंसरिंग माय क्वेश्चन? हाँ, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ. तो भी तो सोचो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, क्या इंसान को कभी मरने के लिए बना सकता है परमेश्वर? हाँ, मतलब इंसान तो मरते है हमेशा.
हाँ तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, इंसान मरते हैं, मरते क्यों है इसके भी पीछे एक लॉजिक है. नहीं, बट दैट इज नॉट इंटरेक्टिंग विथ माई क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज शेयरिंग विद माई क्वेश्चन ना सर. आप जैसा आप बोल रहे हैं कि इंसान मरते हैं, तो आप कहते हैं कि मतलब आपका बोलने का यह मतलब है कि इंसान मरने के लिए बनाए गए. नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एक इंसान होता जिसे परमेश्वर ने मरने के लिए बनाया होता, तो क्या उसे मारना ठीक है? तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, वो इंसान को मरने के लिए क्यों बनाया गया था? रीजन आई मीन दैट डजंट मैटर, राइट? दैट डजंट मैटर. इट ही वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ it's either okay to kill that human. I cannot straight away answer yes or no. Yeah, so what I mean, what do you mean by that? Like, what do you mean by I cannot answer? Like, are you saying that you don't have an answer, you don't know the answer? Or are you saying that like there is a third possibility and something like that? What do you mean by that? So, मान लो अगर कोई इंसान को आपका सवाल है, क्या कोई एक इंसान को अगर बना है कि मारने के लिए, उसका मारना सही है या गलत है? बराबर है. यस, ये बात. तो वो इंसान को मारने के लिए बनाया क्यों गया था, ये देखना और ये जानना जरूरी है ना. नहीं, क्योंकि क्योंकि आपने आप में वो इंसान को मारा जा सकता है. नहीं, आपने बोला कि जानवर को मारना ठीक है क्योंकि उसे मारने के लिए बनाया, तो आपने वहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट नहीं मांगा, लेकिन इंसान के बात में आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए. वो सारी चीजें हैं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ. लॉट ऑफ थ्योरीज, लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑन. या आई एम अवेयर ऑफ दैट. सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज अ वेरिएशन ऑफ द यूथिफ्रो प्रॉब्लम. आर यू अवेयर ऑफ व्हाट द यूथिफ्रो प्रॉब्लम इज? No, I don't know about it. Yeah, so Euthyphro problem, I'll explain it to you, don't worry. So Euthyphro problem is a problem in philosophy where especially in religious philosophy, where the question is, does something become good because God commands it, or does God command things which are good? So what is, so those are the two options. Either God commands things that are good, or things become good because God commands them. So what do you think? Okay. Do things become good or bad because God commands them? I cannot answer that question because I don't know about it. Unless and until I don't get the information, clear picture about it, clear understanding about it, I cannot answer that. Yeah, I mean, but my question is, if you say something is good, right? Do you think, so when you say something is good because God says it or something like that. So my question is, does something become good because God commands it, or does God command good things? Saying part is that only we have to discuss on this with lot of things. It cannot be just discussed on the phone like just question and answer. Yeah, I don't see why it cannot be done because I discuss it with people all the time. Like I discuss it with people. I can call you up when you are free. I mean, I am free right now, so we can talk right now. Sir, I am not free right now. I have a lot of other numbers which I have to call. Yeah, but I mean, but what is more important to you? Is getting close to truth more important, or do you think calling more numbers is important? I already know the truth. Oh, so you already know the truth? Then just answer my questions, right? So that's the reason I'm asking. That's the reason I'm saying you. I cannot answer your question just yes or no. Or just. But you know the truth. Know the truth, and to explain you the truth, there are lot of proofs need to be presented. No, but I mean, if you know the truth, then the answer is clear. It's either true or it's false. There is no other option. No. It cannot be just true or false. Right? Okay, what is the third value? So, अगर एक गुनेगार को सजा देना है, मुझे पता है वो गुनेगार हाँ लायक है. मैं इसलिए ये नहीं बोल सकता इसने गुनाह किया इसलिए जाकर इसको सीधा फांसी की सजा दे दो. There are lot of research and नहीं, मतलब अगर उसने 100 लोगों को टपकाया है, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि उसको फांसी का सजा दो. हाँ, but that is content in a proof होना चाहिए उस बात का. Yeah, so proof है. I'm saying that there is proof, so the answer is clear. हाँ,
बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको जस्ट आपके सवालों का जवाब यस एंड नो में नहीं दे सकता. देयर आर लॉट ऑफ डिबेट, लॉट ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू बी डन. ओह, आई डोंट थिंक सो. लाइक आई गेव यू यस और नो आंसर. So when you asked me a question, I gave you yes or no. You asked me about the motorcycle. Maine bola ki nahi, it should not be the case that someone should come and ram my motorcycle. I gave you yes or no, a clear answer. I didn't ask you for context. But there are a lot of the questions which you are asking is lot of research and lot of things need to be done. There are a lot of. Yeah, but you say that you already know the truth, right? So you should be able to answer the question. Sir, मैं अगर आपको सीधा बोल दूं कि आज जो है वो सुबह का 10 बज रहा है, क्या आप मान लोगे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह के 10 बज नहीं रहे हैं. क्यों? अगर मैं आपको एक बंद कमरे में रखूं और आपको बोलता हूं कि सुबह का 10 बज रहा है, तो आप मान लोगे? नो, बिकॉज आई हैव नो रीजन टू बिलीव दैट. करेक्ट. या सो हाउ व्हाट्स द लाइक बता रहा हूँ, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड, देयर शुड बी अ प्रूफ बिहाइंड. There should be an evidence behind that. Yeah, so let's say there is evidence, right? So let's say there is evidence. On a free timing, let's discuss on this free time. Let me know by when you are free. I am free right now. I can talk. Sure, sir. So I will call you tomorrow by 6. I am not sure about tomorrow. I am free now. You got me on the right day. But I cannot guarantee tomorrow. I am not... Sorry, sir. I need to be called up. And I have some of my personal time as well. Well, I mean, if you're going to spend time calling people, you might as well just talk to the person who is willing to talk to you. Correct, but मैं आपको वही बोल रहा हूँ sir, unnecessary, irrelevant topic के ऊपर question answers करके तो मतलब. Oh, it's no, it's not unnecessary or irrelevant at all. I can demonstrate the relevance if you want. नहीं sir, when you already know the things, right? When we already know the things, I have not told about anything topic what you want to know, right? I mean, I will call you up tomorrow by this time. Well, I cannot guarantee picking up tomorrow. You are trying whenever you are free, sir. I cannot guarantee tomorrow or any time, but I can guarantee right now. I will try to call you up. If you are free, we can catch up tomorrow. So by this time. I mean, I cannot guarantee that, but yeah, we can talk right now. No issues. I will try. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. It was nice talking to you. Thank you. Yeah.